अब आनंद सिंह और ललन सिंह वहां नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिलने वाला है और न लालू नीतीश को, वहां वोट मिलेगा 56 और 47 को। माफिया और क्रिमिनल को जाति और हिंदू मियां के आधार पर सबसे ज्यादा हिंदू आजकल अत्यंत पिछड़ा ही बन गए, ये आप समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन। मुकामा में उपचुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में एक तरफ अनंत सिंह की पत्नी है तो दूसरी तरफ मुकामा वाले ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी है। एक तरह से कह सकते हैं दो बाहुबलियों की पत्नी जो है वो आमने सामने है मुख्य रूप से। वैसे तो पप्पू यादव की पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी मुकामा में उपचुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आज पप्पू यादव पहुँचे थे मधुबनी और मधुबनी पहुंचते ही एक घटना का वो जिक्र कर रहे थे और घटना का जिक्र करते करते वो पहुंच गए मुकामा। और मुकामा जब वो पहुंचे तो देखिए अनंत सिंह, ललन सिंह, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी सबका नाम ले लिया। क्यों ले लिया? सबसे पहले उनका पूरा बयान देखिए, क्या कह रहे हैं अनंत सिंह को लेकर, क्या कह रहे हैं मुकामा वाले ललन सिंह को लेकर, और ये तक कह दिया AK-47 बनाम AK-56 है जनाब। इसका पवन चौधरी होगा, उस कास्ट का लोग उसको प्रोटेक्ट करता होगा, मुझको नहीं पता वो कौन जाता है क्या जाता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इस घटना के खिलाफ भी गांव में यदि 80% लोग गरीब दलित अत्यंत पिछड़ा इनके साथ यदि तत्काल हो करने में होंगे तो लोग जो उनकी जाति के लोग होंगे उनके साथ होगा, आप जान लीजिएगा। अब एक बात आप समझिए, मैं नहीं जानता हूं, आप इसको समझ के चलिए। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करता है, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करता है सोसाइटी। अब अनंत सिंह और ललन सिंह वहां नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिलने वाला है और न लालू नीतीश को, वहां वोट मिलेगा 56 और 47 को और वोट देगा पब्लिक। माफिया और क्रिमिनल को जाति और हिंदू मियां के आधार पर सबसे ज्यादा हिंदू आजकल अत्यंत पिछड़ा ही बन गए, ये आप समझ लीजिए। बना दिया गया जबरदस्ती ताकि इसका इस्तेमाल किया जाए। क्लियर हूं इस मामले में, समाज सबसे बड़ा दोषी है इस ऐसी घटना को बढ़ावा देने में। हर जात के लोग अपने माफिया, अपने क्रिमिनल अपराधी को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है और वो हीरो हो जाता है। और नेता क्या सोचता है कि हमको आम आदमी के नजदीक जाना नहीं है, वोट तो हमको क्रिमिनल ही दिलाता है, तो वो क्रिमिनल को पकड़ के नेता रह जाता है। तो इस इनका कितना वोट है, इस बच्ची का कितना वोट है, 10 इस गांव में या 20? ठीक है, तो 3 घर वाले से MLMP का क्या होना है? इनका वोट तो 500 रुपये पे बिक जाएगा। इन इम्मा का एजेंसी को हम मिटाए। सुना आपने, साफ तौर पे ये पप्पू यादव हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुकामा में वोट जो है वो PM नरेंद्र मोदी को नहीं पड़ने वाला है, नीतीश कुमार को नहीं पड़ने वाला है, तेजस्वी यादव को भी नहीं पड़ने वाला है। तो वोट पड़ेगा किसको? पप्पू यादव बता रहे हैं या कहें कि बयान दे रहे हैं कि मुकामा में वोट जो है वो AK-47 को पड़ेगा, AK-56 को पड़ेगा। क्रिमिनल को एक तरह से शह देने में जनता का ही हाथ है, जनता को वो दोषी बता रहे हैं पप्पू यादव। आपको बता दें कि इस बार मुकामा में चुनाव हो रहे हैं, पप्पू यादव की पार्टी हालांकि मुकामा में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इससे पहले 2015 में पप्पू यादव की पार्टी ने भी मुकामा चुनावी रण में एक तरह से कह सकते हैं कि ताल ठोका है। तो कुल मिला के पप्पू यादव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जहां भी घटना होता है वो पप्पू यादव पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं। इसी क्रम में एक ऐसे ही पीड़ित परिवार से आज मिलने के लिए मधुबनी गए थे, जहां पर उन्होंने मोकामा में हो रहे उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। फिलहाल अब तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।